केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कांग्रेस कार्य समिति ने सोमवार को इजराइल सेना और हमास के बीच सीज फायर की मांग की। कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा कि वह बीते लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनकी जमीन और अधिकारों के पक्षधर हैं। समिति ने अपने बयान में कहा कि सभी को गर्व से जीने का अधिकार है। हालांकि अब भाजपा कांग्रेस के इस बयान पर हमलावार हो गई है। भाजपा नेता अनिल एंटनी ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंकियों के समर्थन तक का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास करने पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता अनिल एंटनी ने कहा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार इसराइल धार्मिक विचारधारा से अंधे कट्टरपंथी इस्लामी बर्बर लोगों के एक समूह के कारण अपने अब तक के सबसे बड़े परीक्षणों में से एक से गुजर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि यह एक घृणित आतंकवादी कृत्य है। उन्होंने आतंकवाद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। एंटनी ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए फिलिस्तीन के समर्थन का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि कार्य समिति पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त करती है। कांग्रेस ने आगे कहा कि वह फिलिस्तीनी लोगों की जमीन पर गहरा दुख व्यक्त करेगा। तुम्हारी फिलिस्तीन लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान व गरिमा के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। प्रस्ताव में आगे कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।